अपने काबू में करके जो कोई नेता बोलता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, उसके पीछे कोर्ट को लगा देते हैं कि भाई ये इस चीज में फंसा हुआ है, ये इस घोटाले में फंसा हुआ है, ये इस घोटाले में फंसा हुआ है, ताकि कोई भी उनके खिलाफ ये सारे लोग इतने फोकस बनने के कि जम्मू कश्मीर से जो लोग हैं इन्हें हम किसी ने नहीं पूछना जितने वो लोग इधर भी आने जाना गए ना तो अभी क्या इलाम के पास जाना पड़ना है ये भी वक्त आ जाना कि आप जी सामने अपने आप को तैयार नहीं किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक भाग है कि अगर सू मौका मिले अभी दोबारा जो रियासत के रहने वाले लोग ने उन्हें भी उनका जो स्टेट सब्जेक्ट है वो दोबारा बहाल करेंगे ताकि एक साड़ी मंथली मीटिंग के बारे में बताइए। देखिए आज यहाँ वर्कर मीटिंग थी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सांबा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए थे, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी सभी आए थे और यहाँ पे लोगों ने अपनी मुश्किलातों के बारे में बताया, खासतौर पर हालिया बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं और बिजली पानी की बहुत समस्या है सांबा एरिया में, तो 15-15 दिन से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये पूरा प्रयास कर रही है और इसके साथ ही लोगों को हमने अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो बताया है, जिसमें अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 500 यूनिट बिजली लोगों को, सबको, अमीर गरीब को 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, गरीब लोगों को 4 सिलेंडर साल में फ्री जो है रीफिल करके दिए जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन जो है ये 1000 से बढ़ा के 5000 की जाएगी, इसी तरीके से जो मैरिज असिस्टेंस है जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए आज 50000 मिलता है उसको बढ़ा के 1,00,000 रुपया किया जाएगा और ये माइनिंग जो है ये जो लूट हो रही है इस माइनिंग की लूट पर जो है ये पाबंदी लगाई जाएगी। ये बातें जो हैं लोगों को बताई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोग अल्ताफ बुखारी साहब को समर्थन दे रहे हैं आने वाले चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी अपन बल बूते पर सरकार बनाएगी।